हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रहा हूँ जिसका यूज़ मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी बेनिफिट है। इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके हम निफ्टी की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी आज ऊपर जाएगा या नीचे। इस स्ट्रैटेजी का नाम है प्रेडिक्टिंग मार्केट बेस्ड ऑन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को देखकर बड़े आराम से निफ्टी की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल एंड हिडन स्ट्रैटेजी है जिसे कोई भी आपके साथ शेयर नहीं करता। इसका इस्तेमाल केवल बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर करते हैं और बड़ा पैसा बनाते हैं। इस स्ट्रैटेजी को आज मैं अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि वो भी बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर की तरह मार्केट का डायरेक्शन पता कर सकें और उसी डायरेक्शन में ट्रेड करके पैसा बना सकें। दोस्तों, इसको अप्लाई करने के लिए आपको एक कंप्यूटर या लैपटॉप की ज़रूरत होगी और साथ में ही एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट भी होनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन पर। जिन व्यूअर्स को ऑप्शन चेन नहीं पता, वो भी केवल इस वीडियो को फॉलो करें। मैंने बहुत ही आसान स्टेप्स में इस स्ट्रैटेजी को समझाने का प्रयत्न किया है। बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के कोई भी ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करके निफ्टी की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर सकता है। दोस्तों, अब आपको NSE इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। दोस्तों, ये NSE इंडिया की नई वेबसाइट है। अगर किसी को पुरानी वेबसाइट पे जाना है तो वो यहाँ पर क्लिक करके पुरानी वेबसाइट पे जा सकता है। नई वेबसाइट पे आने पर हमें मार्केट डाटा पे जाकर ऑप्शन चेन पर क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पर ये निफ्टी की ऑप्शन चेन जिसकी एक्सपायरी 30 जुलाई 2020 को है वो आ जाएगी। ये वीडियो मैं 24 जुलाई को मार्केट बंद होने के बाद बना रहा हूँ। यहाँ पर मार्केट बंद हुआ है 11,194, तो हम 11,200 जो कि उसका बिल्कुल नियरेस्ट प्राइस है वहाँ पर आके डाटा चेक करते हैं। दोस्तों, ये है OI, जिसे हम ओपन इंटरेस्ट भी बोलते हैं, और ये है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। हमारा फोकस OI एंड चेंज इन OI में रहेगा, दोनों कॉल्स और पुट साइड की। दोस्तों, आपको शॉर्ट में मैं ऑप्शन चेन एक्सप्लेन करता हूँ। ऑप्शन चेन में दो साइड होते हैं, कॉल एंड पुट। अगर आप कॉल बाय करते हैं तो आप तेजी में हैं, और अगर आप कॉल सेल करते हैं तो आप मंदी में हैं। वैसे ही अगर आप पुट बाय करते हैं तो आप मंदी में हैं, और अगर आप पुट सेल करते हैं तो आप तेजी में हैं। OI होता है कि एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में कितने लोगों की पोजीशन बनी हुई है। जैसे कि 11,200 की स्ट्राइक प्राइस में 35,000 लोग कॉल साइड में हैं और केवल 18,740 लोग पुट साइड में हैं। यानी 35,000 लोग तेजी में हैं कि निफ्टी 11,200 से ऊपर जाएगा, और केवल 18,000 लोग मंदी में हैं कि निफ्टी 11,200 से नीचे जाएगा। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मतलब है कि आज कितने नए लोगों की इस स्ट्राइक प्राइस पे पोजीशन बनी हुई है। जैसे कि 11,200 की स्ट्राइक प्राइस पे 9,160 नए कॉन्ट्रैक्ट बने, और पुट साइड में केवल 215। यानी आज काफ़ी नए लोगों ने तेज़ी के लिए अपनी पोजीशन बनाई है। दोस्तों, कुछ लोग अभी भी पुरानी वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगस्त 2020 के बाद वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। आइए एक बार मैं आपको पुरानी वेबसाइट पे भी डाटा दिखाता हूँ ऑप्शन चेन का। ये हमने नई वेबसाइट ओपन करी, यहाँ से हमने यहाँ पर क्लिक करके पुरानी वेबसाइट पर
पहुंच गए। जो कि www.nscindia.com के नाम से है। यहाँ पर दोस्तों हमें लाइव मार्केट पे जाकर इक्विटी डेरिवेटिव पे क्लिक करना है। दोस्तों ये निफ्टी का 30 जुलाई का ऑप्शन चेन खुल गया है पुरानी साइट पर। मुझे उम्मीद है काफ़ी लोग इसको देखने इसी को देखकर अपना प्रेडिक्शन करते हैं। प्राइस आप देख सकते हैं सेम 11,194 24 जुलाई को मार्केट बंद होने के बाद का है। दोस्तों अब हम यहाँ पर जाकर 11,200 के प्राइस को देखते हैं। आप यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर 11,200 का ओपन इंटरेस्ट है 26,31,225, जबकि नई साइट पे 11,200 केवल दिखा रहा है 35,083। दोस्तों इन दोनों में डिफरेंस ये है कि नई साइट आपको टोटल नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाती है और पुरानी साइट टोटल नंबर ऑफ टोटल क्वांटिटी इन दोज कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है। जैसे निफ्टी की लॉट साइज़ है 75, तो हम 35,083 को 75 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाता है 26,31,225, जो कि एग्जैक्ट यहाँ पर है। सेम यही वैल्यूज़ आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे भी दिखेगी। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू है 6,87,000, जिसको हम 75 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 75, तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे 9,160। देखिए दोस्तों यहाँ पर 9,160 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। दोस्तों अब हमें करना क्या है, हमें अपने लैपटॉप पर एक्सेल शीट भी ओपन करनी है। हम यहाँ पर गए और एक्सेल शीट भी हमने यहाँ पर ओपन करी। दोस्तों ये एक्सेल शीट ओपन हो चुकी है। अब हम अपनी एनएससी की साइट पर जाएंगे और यहाँ पर ये ऑप्शन चेन का डाटा कॉपी करेंगे। ये डाटा हमें पूरा नीचे तक कॉपी करना है दोस्तों, बस ये हम टोटल वाला पोर्शन छोड़ के यहाँ तक इसे कॉपी कर लेंगे। फिर अपनी एक्सेल शीट में जाके दोस्तों यहाँ पर इसे हम पेस्ट कर देंगे। दोस्तों हमारा डाटा यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये ओपन इंटरेस्ट का पहला कॉलम है कॉल साइट का, हम इसको यहाँ पर पूरा सिलेक्ट करेंगे नीचे तक और इसका टोटल करेंगे। यहाँ पर जाकर आप केवल सम को क्लिक कर दीजिए तो इसका पूरा सम आ जाएगा। इसने टोटल निकाला है दोस्तों 413542। हम अपनी साइट पे जाके चेक करते हैं 413542, इसका मतलब है कि हमारा डाटा ठीक से पेस्ट हुआ है। दोस्तों अब हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइट का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल करना है। अब हम टोटल करने के लिए फिर से वही पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे नीचे तक जाकर और सम का बटन प्रेस कर देंगे। फिर हम पुट साइड की ओपन इंटरेस्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसका भी सम निकालेंगे। फिर हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट साइड का सिलेक्ट करके दोस्तों इसका भी सम निकालेंगे। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारा पुट साइड का सम भी ओके आ रहा है हमारी साइट से 613683। ये देखिए ये सम है यहाँ पर और हमने निकाला है 613683।
इसे आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे दो बातें कहना चाहूँगा। पहली, या तो आप ये स्ट्रेटजी खुद ही फॉलो कर सकते हैं इस वीडियो को अच्छे से देखकर, और दूसरी बात ये कि वीडियो के एंड में हमने एक टूल डिज़ाइन करा है जो ये सारे स्टेप्स अपने आप फॉलो करके आपको मार्केट का ट्रेंड बताता है। पर पहले आइए हम इसे खुद करना सीखते हैं, तभी हम पता कर पाएंगे कि वो टूल कैसे काम करता है। आइए दोस्तों, फिर से हम अपनी एक्सेल शीट पे फोकस करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, कॉल साइट का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल है 65,000 और पुट साइट के चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट का टोटल है 44,000। यानी दोस्तों 65,000 लोग तेजी में हैं और 44,000 लोग मंदी में। अब आप ही बताइए कि ऑपरेटर को मार्केट प्लस करके फ़ायदा होगा या डाउन करके। और आंसर बड़ा सिंपल है, डाउन करके। 65,000 लोगों का पैसा ज़ीरो करके केवल 44,000 लोगों को प्रॉफिट पहुंचाकर बाकी का पैसा अपनी जेब में। ये है ऑपरेटर की चाल। आप देख सकते हैं कि बायर और सेलर के बीच का डिफरेंस यहाँ 21,000 है, अप्रॉक्सीमेटली 21,000। दोस्तों आपको ये सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है, जिसे फॉलो करने में आपको केवल आधे मिनट का समय लगेगा और आप भी मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ पाएंगे। ये स्ट्रेटजी आपको सुबह 9:20 से 9:30 के बीच में अप्लाई करनी है और हर 10 से 15 मिनट में NSE की साइट पर जाकर डाटा को फिर से रिफ्रेश करना है और ये स्टेप रिपीट करना है। ये स्टेप रिपीट करने का हमारा पर्पस केवल डिफरेंस इन बायर एंड सेलर को फिर से चेक करना है। अगर ये डिफरेंस बढ़ रहा है, यानी 21,000 का ये 25,000 हो गया, 25,000 का 40,000 हो गया, इसका मतलब है मार्केट और डाउन होता जाएगा। और अगर ये डिफरेंस कम हो जाए, जैसे कि 21,000 से 18,000 हो जाए और फिर 15 मिनट बाद 18,000 का 10,000 रह जाए, इसका मतलब ये है कि मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है और अपनी शॉर्ट पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके बाय पोजीशन बनाने का वेट करना पड़ेगा। और बाय पोजीशन हम कब बनाएंगे दोस्तों? जब पुट साइड का ये टोटल कॉल साइड के इस टोटल से ज़्यादा हो जाए, यानी ज़्यादा लोग मंदी की तरफ हो जाएं और कम लोग तेज़ी की तरफ हो, तब बाय पोजीशन बनाने का समय होगा। दोस्तों मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि इस पार्ट को एक दो बार रिपीट करके फिर सुनिए और टोटल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को निकालने के लिए कम से कम 10 से 12 बार प्रैक्टिस करिए, तभी आप इसे 30 सेकंड में निकाल पाएंगे। और जितनी जल्दी आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे, उतनी जल्दी ही आप मार्केट की डायरेक्शन का पता कर पाएंगे। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं लाइव मार्केट में। आज है मंडे 27 जुलाई 2020, सुबह के 9:28 हुए हैं और हम दोबारा से चलते हैं अपनी NSE की नई साइट पर। नई साइट पर जाने के बाद हमने डाटा को यहाँ रिफ्रेश किया और फिर से हमने अपने डाटा को कॉपी करा। इस बार हम पूरा टोटल तक कॉपी करते हैं। एक्सेल पे जाके हमने नई शीट ओपन करी। नई शीट ओपन करने के बाद हमने अपना ये डाटा यहाँ पर जल्दी से पेस्ट कर दिया। फिर से हमने
क्योंकि इस बार हमारा ओआई का टोटल हो रखा है, इसलिए हम वो नहीं करेंगे। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का हमने पूरा कॉलम फिर से सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद हमने इसका टोटल कर दिया। वैसे ही हमने पुट की साइट पर जाकर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट का पूरा कॉलम सिलेक्ट करा और हमने यहाँ पर भी इसका टोटल कर दिया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, पुट साइड के टोटल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल है अप्रॉक्सीमेटली 7000 और कॉल साइड के टोटल है दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 16000। यानी कि ज़्यादा लोग तेज़ी की तरफ हैं तो मार्केट कहाँ जाएगा दोस्तों? बेयरिश। ये देखिए दोस्तों, मार्केट बेयरिश जा रहा है। ये हमने अपना MT4 सिस्टम ओपन करा है जिसमें हाईगिग मैजिक ट्रेंड सिस्टम अप्लाइड है और इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, आज मार्केट ओपन होते के साथ ही वीक है और कंटिन्यूसली नीचे चलता चला जा रहा है। हमने अभी अपनी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट स्ट्रैटेजी से चेक भी करा, ये मार्केट अभी वीक ही रहेगा। दोस्तों यहाँ मैं आपका 2 मिनट का समय लेके अपने हाईगिग मैजिक ट्रेंड सिस्टम को समझाना चाहूँगा। आप नीचे देख सकते हैं रेड और ब्लू बार्स चल रहे हैं। जहाँ से रेड बार स्टार्ट होते हैं वहाँ से मार्केट डाउन होना स्टार्ट हो जाता है और जहाँ से ब्लू बार्स होते हैं वहाँ से मार्केट अप होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि जैसे ही हमने अपनी ऑप्शन चेन में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में देखा कि मार्केट नीचे जा रहा है, हमारे हाईगिग मैजिक ट्रेंड सिस्टम ने भी यहाँ पर रेड सिग्नल दे दिया है और मार्केट यहाँ से नीचे होता चला जाएगा। और देखिए दोस्तों, मार्केट नीचे होता चला जा रहा है। दोस्तों ये वो टूल नहीं है जिसके बारे में मैं आपसे कह रहा था, वो टूल अभी आपको इस वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। दोस्तों जैसा हमने 9:28 पे दोनों साइट का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल निकाला था और फिर उनके बीच का डिफरेंस निकाला था जो कि 7000 आया था, ये हमें फिर से 10 से 15 मिनट बाद रिपीट करना है। और ये सारे स्टेप्स रिपीट करने के बाद हमें फिर से चेक करना है कि वो जो डिफरेंस है वो 7000 से बड़ा है या 7000 से घटा है। 9:45 पे हमने जब ये दोबारा से करा तब आप देख सकते हैं कि दोनों साइड के टोटल में अब डिफरेंस आ चुका है, वो 9000 बन गया है, ये 36000, यानी कि डिफरेंस आ चुका है दोस्तों 25000 का। 7000 से बढ़ के ये 25000 का डिफरेंस आ चुका है। अब हम चलते हैं अपने मार्केट की तरफ जो कि देखिए दोस्तों टूटता ही चला जा रहा है, क्योंकि कॉल साइड में लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, लोग ज़्यादा तेज़ी की तरफ हैं, इसीलिए मार्केट में हमेशा उल्टा होता है, ऑपरेटर हमेशा उल्टा करता है, वो मार्केट को नीचे की तरफ लेता चला जा रहा है और मार्केट देखिए कंटिन्यूसली टूटता चला जा रहा है। और चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने उस टूल की तरफ जिसका हमने वीडियो में ज़िक्र किया था। दोस्तों ये रहा वो टूल, आप देख सकते हैं कि इस टूल में माइनस वैल्यू दिखाई दे रही है, -26। माइनस का मतलब है कि मार्केट बेयरिश जाएगा, रेड मींस मार्केट इज़ डिक्रीजिंग एंड रेड वैल्यू इंक्रीजिंग विल मींस मार्केट विल डिक्रीज मोर, मतलब मार्केट और नीचा होता चला जाएगा। दोस्तों ये वैल्यू ऑटोमेटिकली NSE की साइट से डायरेक्ट अपने आप आती है और ये डाटा हर 2 मिनट में रिफ़्रेश होता है, यानी कि ये अपने आप कैलकुलेट करके आपको ये माइनस वैल्यू प्लस वैल्यू देता रहेगा। अगर माइनस वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब है कि मार्केट और नीचे होता चला जाएगा, और अगर ये माइनस वैल्यू घट रही है इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट होगा और कहीं ये ग्रीन हो जाएगा, तब हम अपनी बाय पोजीशन बनाएंगे, उसका मतलब होगा कि मार्केट अब और बढ़ता चला जाएगा। देखिए दोस्तों ये 9:48 AM पे जो इसकी वैल्यू है और हम अब मार्केट को देखते हैं तो आप देखिए मार्केट अभी भी डाउनवर्ड है, मार्केट टूट रहा है। देखिए दोस्तों अभी देखते ही देखते इसने अपने आप को रिफ़्रेश करा और -26 से ये -29 की तरफ आ गया।
इसका मतलब है कि मार्केट अभी बेयरिश है, अभी भी हम अपनी सेल पोजीशन पे कंटिन्यू रह सकते हैं और आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ ही है। दोस्तों, इस टूल से आपको ये बेनिफिट है कि आपको बार बार NSE की साइट पे जाके डाटा कॉपी पेस्ट करके टोटल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा काम ये खुद करता है और हर 2 मिनट में अपने आप को रिफ़्रेश करके आपको एग्जैक्ट वैल्यूज़ देता है। आपका टोटल कभी गलत भी हो सकता है, कभी आपका कॉपी पेस्ट कुछ गलत हो जाएगा तो आप गलत फिगर्स के बेस पे डिसीज़न लेंगे, पर इसका डाटा कभी गलत नहीं होता, ये हमेशा आपको एक्यूरेट डाटा देता है। 11:54 पे मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे ये -39 से घट के -21 हो गया, तो मार्केट में कंसोलिडेशन आया है, मार्केट अपने बॉटम पॉइंट से वापस से उठना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये वैल्यू और कम हो गई है, टाइम हो रहा था 1 बजे और देखिए मार्केट 40 पॉइंट बढ़ चुका है। ट्यूसडे 28/7 सुबह 9:15 6187 प्लस वैल्यू पे खुला और देखिए मार्केट भी यहाँ पर प्लस है। 9:26 में 6000 की वैल्यू बढ़ के 12000 हो गई, इसका मतलब है मार्केट और ऊपर जाएगा। मार्केट यहाँ से देखिए दोस्तों ऊपर जाता ही जा रहा है। और ऊपर जा रहा है। 12:42 पे देखिए वैल्यू और बढ़ चुकी है। अब हम देखते हैं अपना मार्केट, ये देखिए दोस्तों मार्केट ऊपर जाता ही चला जा रहा है, कितना बुलिश पैटर्न बना हुआ है यहाँ पर। और वैल्यू बढ़ी 2:11 पर और मार्केट अभी भी प्लस की तरफ ही है। वेडनेसडे 29/7 को सुबह 9:28 पे यहाँ पर भी वैल्यू प्लस दिखा रहा है 4707 और मार्केट भी देखिए प्लस में खुला है और ऊपर जा रहा है। दोस्तों देखिए अचानक मार्केट प्लस से होते होते माइनस में हो गया है 9:40:42 पर, मार्केट ने भी देखिए यहाँ से टूटना चालू कर दिया। दोस्तों यहाँ पर आपको टूल की आवश्यकता है, टूल अब आपको बताएगा कि मार्केट अचानक से प्लस में माइनस की ओर पहुँच गया है। 10:18 पर यह वैल्यू और घट गई है, देखिए मार्केट अभी वहीं की वहीं वहीं पर टिका हुआ है, पर ये अभी और नीचे जाएगा, ये देखिए दोस्तों नीचे जाना चालू हो गया और नीचे पहुंच गया दोस्तों, यानी मार्केट टूटता ही चला जा रहा है। ये वैल्यू बढ़ के 2:25 पे 1,23,000 हो गई है माइनस में और देखिए दोस्तों मार्केट रुकने का नाम नहीं ले रहा, ये देखिए और टूटा। दोस्तों थर्सडे को 9:18 पे अभी वैल्यू ज़ीरो दिखा रहा है और देखते ही देखते ये देखिए अचानक से है ना इसने प्लस वैल्यू दिखाई, इसका मतलब मार्केट बुलिश है। आइए हम चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। ये देखिए दोस्तों चार्ट यहाँ पर बुलिश शो कर रहा है, मार्केट यानी ऊपर जाएगा। मार्केट में वैल्यू बढ़ रही है पर मार्केट अभी नहीं बढ़ पा रहा है दोस्तों। यहां पर देखिए वैल्यू और प्लस हो चुकी है पर मार्केट आज वहीं पे टंगा हुआ है। दोस्तों यहां पर हमें स्टॉप लॉस लगा के काम करना चाहिए, ये देखिए अब यहां से वैल्यू घट गई, यहां पे वैल्यू घट चुकी है, इसका मतलब है मार्केट यहां पे घटने वाला है। दोस्तों हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाता, हमें कोई नुकसान नहीं होता और यहाँ से हम अपनी सेल पोजीशन बना सकते थे या वेट करते जब तक ये वैल्यू माइनस में नहीं जाती। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे वैल्यू इतनी माइनस में गई और मार्केट आज कितना ज़बरदस्त टूटा है। फ्राइडे को भी आप देखिए मार्केट नेगेटिव नोट के साथ ओपन हुआ है और यहाँ पर मार्केट टूट ही रहा है। माइनस वैल्यू और बढ़ी है, देखिए मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगा और मार्केट यहाँ पर भी नीचे की तरफ ही जाता जा रहा है। दोस्तों
आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का पता करके निफ्टी की डायरेक्शन को पहचान सकते हैं और निफ्टी की डायरेक्शन को पहचानने के बाद उसी डायरेक्शन में ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। और अगर आपको हमारे निफ्टी डायरेक्शन टूल के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू दोस्तों।